भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। भिवंडी शहर बाल सुधार केंद्र में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टरों ने बच्चों का चेकअप किया और दवाई दी और क्या कुछ कहा, आइए हम देखते हैं आगे वीडियो में। सारी सेवा संस्था के सारे वॉलेंटियर्स, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इतनी बड़ी बारिश में आप लोगों ने बिल्कुल भी अपना ख्याल न रखते हुए सिर्फ बच्चों की यहाँ सेवा करने का मौका मिला है। उस मौके को बिल्कुल जाया नहीं करना है कि आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से पूरी टीम की तरफ से बोलना चाहूँगी। और एक याददाश्त ऐसी है कि जब नावेद सर का कॉल आया था कि मैडम सोशल वर्क में हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी नहीं नहीं हमने जो कैंप लगाया यूनानी मेडिसिन का, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो तमाम भिवंडी वासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बड़ी बेहद खुशी हो रही है कि स्पेशली यूनानी बेस्ट मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाया गया है। डॉक्टर नाविद और डॉक्टर इम्तियाज सर के बहुत हार्ड वर्क के बाद आज ये काम सक्सेसफुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मेनली कुछ ऐसे जब से यहाँ पे मेंबर बने हैं तो कुछ ना कुछ जो कंप्लेंट्स है या क्या और चीज़ें डेवलपमेंट की जा सकती है जो बच्चों के लिए बेनिफिट्स रह सकती है, तो इसमें से हमें ये समझ में आया कि कुछ स्किन रिलेटेड डिसीजेस है तो जो बच्चों को बेनिफिट हो सके, तो इस तरीके से हमने कांटेक्ट किया है और शेल्टर फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पे ये मेडिकल कैंप यूनानी बेस्ट मेडिकल कैंप रखा गया है। मैडम इसके पहले कोई कैंप यहाँ पे रखा गया इस तरह का ऑर्गेनाइज हुआ था क्या मेडिकल कैंप? यूनानी बेस्ड मेडिकल कैंप यहाँ पे नहीं हुआ है, हालांकि यहाँ पे इमरजेंसी सारी फैसिलिटीज़ है जो एलोपैथी मेडिसिन हॉस्पिटल सब कुछ है यहाँ पे टाइप किया। आज का अलग चीज़ ये है कि यूनानी बेस्ट मेडिकल कैंप है। इसका खास वजह क्या है? खास ये है कि यूनानी जो मेडिसिन है एक्चुअली सारी पैथी अपनी जगह पर होती है, बट मैंने अपने आप में जब एक एग्जाम्पल यूनानी का कुछ मेडिसिन ट्राई किया तो मुझे उसका रिजल्ट अच्छा लगा। तो मुझे मैं ऐसा समझती हूँ कि जो क्रॉनिक डिसीजेस है जैसे स्किन डिसीज हो गए, हार्ट पेशेंट है या जो भी ऐसे लॉन्ग टर्म में चलने वाले जो डिसीज है उनके लिए यूनानी मेडिसिन एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना चाहिए। ठीक, यूनानी मेडिसिन जो है आज यहाँ पे जो दी जा रही बच्चों को, तो इसके फ़ायदे आप किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे बताएंगे? इसके फायदे ये हैं कि ये जो है ना कोई भी चीज़ जो है ना रूट से यानी कि जड़ से ख़त्म करती है और धीरे धीरे काम करती है, लेकिन बहुत अच्छा काम करती है। अभी एलोपैथिक मेडिसिन का कैसा है कि अपन वो दिए तो फिर उसमें रिकरेंट अटैक होता है, तो मैम ने हमको बताया कि यहाँ पर रिकरेंट अटैक जैसे खुजली वगैरह हो गया, सर्दी खांसी और ये सब कॉन्टेजियस डिजीज है, एक से दूसरे को लगती है, तो यहाँ बहुत बच्चे परेशान थे, तो मैम को हमको सपोर्ट मिला कि मैं ऐसा करना है, तो मैं डॉक्टर नवीद साहब से बात किया कि ऐसे ऐसे करना है, तो इन्होंने जो है मशवरा दिया कैसा करना है। बाकी सारी बातें जो है डॉक्टर नवीद साहब बताएंगे आपको क्या जी। एलोपैथी और यूनानी को डिफरेंस है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि आज ये एक बहुत ही अलग यूनिक किस्म का इवेंट जो है पूरा हुआ, और मैं अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने आज एक ऐसा दिन मुकर्रर किया कि जो मेरी बर्थडे और जन्मदिन है, आज तारीख पैदाइश का दिन है, तो मैं तमाम बॉडी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ये दिन इसका सिलेक्ट किया और इसका इंतखाब किया। उसके बाद एलोपैथ और यूनानी को आप जो डिफरेंशिएट करने बोले, तो एलोपैथ मेडिसिन के एक्शन जो है वो फॉर टाइमिंग होता है ज़्यादातर मेडिसिन का, और दूसरा सबसे बड़ा एडवर्स ये है कि वो साइड इफेक्ट उसका ज़्यादा है, और यूनानी मेडिसिन जो है जैसे अभी डॉक्टर इम्तियाज़ ने कहा कि वो जड़ से ख़त्म करती है, थोड़ा इसमें लंबा प्रोसीजर है लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जड़ से ख़त्म होती है, रिकरेंट होने के बहुत कम चांसेस है, यूनानी में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तो मतलब आपका कहना है कि यूनानी में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते? अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी में साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर है, उसमें बहुत सी मेडिसिन है जितने साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसको बाकायदा साइड इफेक्ट ख़त्म करके वैसी दवाई बनाई जाती है, तैयार की जाती है। जिस तरह से आप मैडम ने बताया कि यहाँ पे बच्चों को स्किन का यस बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जब हमारी बात हुई, मुलाकात हुई, तो यहाँ के सदस्य डॉक्टर स्वाति मैडम से हमारी बात हुई तो बताए कि ये जो इचिंग है डर्मा के जो पेशेंट है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हमारे पास बोले बहुत सी मेडिसिन है, बहुत से प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है मेडिसिन के लिए, लेकिन ऐसा है कि पूरी तरह से क्यूरेबल नहीं होता है,
तो यूनानी मेडिसिन का यहाँ पे तजुर्बा किए और आजमोदा है ये, मतलब मुजर्रब है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ईशिंग के लिए भी बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट है और आराम हो गए इंशाल्लाह, हमें यकीन है। क्या एक्सपीरियंस बताते हैं आप इसका कि मतलब कितने दिनों में जो है ये ईशिंग खत्म होती है, दोबारा वापस नहीं आने के कितने चांसेस हैं? अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू डिजीज, फर्स्ट थिंग सोरेसिस एक अलग चीज़ है, डर्मेटाइटिस एक अलग चीज़ है, स्केविस एक अलग चीज़ है, टीनिया अलग चीज़ है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है कि इसके अंदर ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कितना हो, लेकिन मैं समझता हूँ मिनिमम 3 मंथ तो उसके अंदर लगते हैं। और चांसेस वापस आने के कितने? चांसेस तो बहुत कम है, 99% नहीं है, 99%। ठीक, ओके, थैंक यू। इन्होंने पहली मरतबा ये रिमांड होम में जो कि सही इसका मुस्तहक है यहाँ पर, कि यहाँ पर हम लोग जो बच्चे आते हैं समाज के अलग अलग तबके से, कोई क्रिमिनल रहते हैं, कोई बिगड़े रहते हैं, घर से भागे हुए रहते हैं, और इनका चेकअप करना और उनको सही मेडिसिन फराहम करना, ये आज बहुत बड़ी जरूरत है, और इन्होंने बहुत सही चॉइस किया है। इसके को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला ये आगे भी इस किस्म के कैंप लगाते रहेंगे, ऐसी मैं शुभेच्छा देता हूँ। आए हमारी हौसला अफजाई की, मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, और हमेशा जो है हमारे रशीद भाई है, सादत भाई है, फिरोज भाई है, और जितने भी हमारे लोग हैं ये हमारी मदद के लिए हमेशा रहते हैं, इनके लिए हम लोग को हौसला मिलता है।